तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के ऊपर। तो इंसर्ट टैब में हम क्या-क्या काम कर सकते हैं, कुछ चीजों को हमने पहले भी देख रखा है, तो आइए देखते हैं कि और क्या-क्या ऑप्शंस हैं जो हम इंसर्ट में कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन आपने देखा था टेबल, और इसे कैसे लिखना है वो भी हमने देख रखा है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे हमने इक्वेशन एडिटर भी पहले देख रखा है, तो कुछ और ऑप्शंस हैं उसको हम आज देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर, यहाँ इंसर्ट ऑप्शन में पिक्चर वाला एक जो डिटेल दिया हुआ है, इससे आप किसी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इंसर्ट टैब में मैक्सिमम बहुत सारी चीजें होती है जो बाहर से ऐड की जाती हैं, क्लियर है? तो जैसे आप पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे तो आप कोई इमेज या पिक्चर को अपने इसमें डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये वाली डॉक्यूमेंट को ऐड कर लिया, पिक्चर को ऐड कर लिया है। अब देखिए पिक्चर की साइज काफी बड़ी है, तो आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। पिक्चर को आपके पास रीसाइज करने का ऑप्शन है, ये रोटेट करने का ऑप्शन होता है। इसके अलावा पिक्चर को और भी कई तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे कि जब आपका कर्सर बाहर है तो यहाँ पर पिक्चर से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जब आप इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए इस पिक्चर पे क्लिक करना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा पिक्चर सेलेक्ट होगी। सेलेक्ट हो गई है, कैसे पता चलेगा? चारों तरफ डॉट आ जाते हैं और यहाँ पर एक एडिशनल टैब जो है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एडिशनल एक टैब ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट हो गया। ध्यान दीजिए चारों तरफ ऐसे डॉट आ गए हैं और यहाँ पर एक ग्रीन कलर का डॉट आता है। और प्लस पिक्चर को सेलेक्ट करते हुए देखिए यहाँ पर एक एडिशनल पिक्चर टूल, यहाँ पर ये जो नया टैब है वो डिस्प्ले होता है। एमएस वर्ड में मैं फिर से आपको बताऊंगा कि जब भी आप किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं, जैसे टेबल सेलेक्ट करेंगे या पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, तो उसके फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एडिशनल टूल्स यहाँ आ जाते हैं। जैसे देखिए पिक्चर को मैं फिर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इससे रिलेटेड फॉर्मेट यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं आपको, क्लियर है? तो ये पिक्चर को फॉर्मेट करने के लिए एक एडिशनल यहाँ पर टैब आ गया है। इसमें पिक्चर की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ा दिया, +40 +30, ब्राइटनेस को कम कर दिया, डार्क कर दिया, देखो थोड़ा अंधेरा जैसा हो रहा है और ये लाइट हो गया, लाइट हो गया। तो पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पर टूल्स दिए हैं, कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए टूल्स दिए हैं। आप पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपकी पिक्चर किसी प्रकार से कोई उसमें सही चीज नहीं है तो यहाँ पर आप रिकलर कर सकते हैं, पिक्चर में कलर चेंज कर सकते हैं। पिक्चर को चेंज करना, पिक्चर को रीसेट करना या कंप्रेस करना, तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। कुछ इनबिल्ट ऑप्शन जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ, इसको एडजस्ट ऑप्शन बोलते हैं। और ये है आपका पिक्चर स्टाइल, पिक्चर की स्टाइल को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कुछ पिक्चर स्टाइल यहाँ पर दी हुई है, ऐसे राउंड में दिखेगा। तो अपने हिसाब से काफी सारे टूल्स यहाँ दिए हुए हैं जिससे आप पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये फोटो फ्रेम जैसा दिख रहा है, तो इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं पिक्चर स्टाइल से। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर का इफेक्ट है। पिक्चर इफेक्ट में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे और एडिशनल इफेक्ट दिखाई देंगे, जैसे रोटेशन हो गया, शेडो हो गया या 3D रोटेशन हो गया। आप पिक्चर को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल से, जैसा रोटेशन आपको चाहिए पिक्चर को वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये सारी चीजें तब काम आती है जब हम कोई बुक की प्रिंटिंग कर रहे हैं जिसमें किसी पिक्चर को इस तरीके से रोटेट करना है, या फिर कोई कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, या कोई मैगजीन डिजाइन कर रहे हैं, इस तरीके से अगर कोई आप डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे हैं तब ये सारे ऑप्शंस बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो पिक्चर फॉर्मेटिंग में आपने देखा पिक्चर की को एडजस्ट करना, जिसमें ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, रिकलर। अब आप इंसर्ट पिक्चर, मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद हम ये सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे एडजस्टमेंट के लिए हम ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और ये सारी चीजों को पॉइंट वाइज लिख लीजिए। नोट्स बनाने का यही तरीका है कि पिक्चर इंसर्ट, हमारे देख रहे हैं इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट पिक्चर वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा एडजस्टमेंट के लिए टूल्स दिए हुए हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इसको पॉइंट वाइज लिखते जाइए।
ब्राइटनेस क्या काम करता है, आप इसके ऊपर कर्जर लिखेंगे लाएंगे तो यह लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, इंक्रीज और डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द पिक्चर, यानी किसी पिक्चर का ब्राइटनेस बढ़ाता है या कम करता है। तो नोट्स काफी आसानी से तैयार किए जा सकते हैं पॉइंट वाइज। तो यहाँ पर पहला है ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, रिकलर और ये पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में पिक्चर की शेप को चेंजेस किया जा सकता है। देखिए इस तरीके का पिक्चर जैसे शादी के कार्ड वगैरह में होता है, आप देखे भी होंगे, तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो उसके बाद फिर पिक्चर को सेलेक्ट करिए। याद रखिए ये वाला टैब तभी दिखाई देगा जब आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। मैंने पिक्चर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर पिक्चर के इफेक्ट, पिक्चर के बॉर्डर्स, पिक्चर के शेप, आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार किसी शेप में पिक्चर को यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस शेप में यहाँ पर डिस्प्ले कराया और काफी सारे कार्ड्स आप देखे होंगे कि इस तरीके से आप डिजाइन करते हुए आपने देखा है कि इस शेप में या इस शेप में किसी भी शेप में आप पिक्चर्स को डिस्प्ले कराते हैं। तो देखिए ऐसा कोई भी पिक्चर आप ग्रीटिंग कार्ड में या फिर किसी मैगजीन में ऐसा देखा होगा। तो ये पिक्चर वाला ऑप्शन आपको तब बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगा जब आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं एमएस वर्ड में। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने पिक्चर्स को देखा। इसके बाद हम देखते हैं पोजीशन। पिक्चर की जो पोजीशन है वो कैसे हम सेट कर सकते हैं, इसके लिए हमको वो वाला फॉर्मूला फिर से लिखना होगा जो हम लिखते थे यहाँ पर। अब एक पिक्चर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग पिक्चर बना तो लेते हैं लेकिन उसको एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, एक प्रॉब्लम जो कई लोग अगर पिक्चर में काम किए हैं या पिक्चर के साथ वर्क किए हैं। पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ लिखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कई सारे लाइन्स को यहाँ पे बना देता है। तो देखिए आपने यहाँ पर, मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखे और नीचे एक पिक्चर बनी हुई है। क्लियर है? अब इस पिक्चर को एडजस्ट करना है मुझे। तो देखिए मैं इस पिक्चर को यहाँ पर ले आता हूँ। जैसे ही मैं पिक्चर को यहाँ पर ला रहा हूँ तो ये जो लाइंस हैं वो एडजस्ट नहीं हो रही हैं अपने हिसाब से, टेढ़ी पेढ़ी हो जा रही हैं। ठीक है? तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर होता है फॉर्मेट में ये वाला ऑप्शन आपके पास, पोजीशन। अभी पोजीशन आपकी लेफ्ट है, राइट है, किस तरीके से रखना है आपको, वो पोजीशन आप सेट कर सकते हैं। देखिए सेंटर कर दिया मैंने तो बीच में आ गया, लिखा हुआ चीज इधर 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 आया, फिर इधर इधर आया। इसको मैं पहले सीधा कर देता हूं ताकि क्लियर समझ में आए। क्लियर है? तो पोजीशन से आप क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। देखिए यहां पर पोजीशन मैंने सेट किया तो ये बीचों बीच आया, पेज के बीचों बीच आ रहा है। देखिए पोजीशन में देखिए ये टॉप लेफ्ट पोजीशन आपको पीछे दिख रही होगी। इसको हम एक काम करते हैं, इस एंगल से देखते हैं तो क्लियर होगा। ठीक है, पोजीशन को देखिए। अब मैं पोजीशन किया, टॉप में आया, टॉप कॉर्नर में आया। लेफ्ट, सेंटर, मिडिल, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो कुल 9 प्रकार की यहां पर देखिए अलाइनमेंट दिख रही है। पिक्चर कहाँ पर डिस्प्ले होगी, बीच में होगी, किनारे पे होगी, यहाँ होगी, उसके हिसाब से टेक्स्ट जो है अपने आप एडजस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं और या फिर खुद से, लास्ट में आपको पहले भी बताया हूँ कि लास्ट में एक एडिशनल ऑप्शन दिया होता है, इसके द्वारा आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर वो दिखाई देगा। क्लियर? अगला आते हैं यहाँ पर, अगला जो ऑप्शन है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो लिखा हुआ कंटेंट है, जैसे मैं किसी पिक्चर को मूव कर रहा हूँ तो लिखा हुआ जो कंटेंट है वो खसक जा रहा है, यानी इतना एरिया जो है वो ब्लैंक हो जा रहा है। अब यहाँ पर मैं बिगिन टू फ्रंट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए इसको पहले रैप टेक्स्ट करते हैं थ्रू। अब देखिए हम यहाँ पर रैप टेक्स्ट करने से ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपको देखना है जरूर कि ये वाला ऑप्शन में, जैसे मैं स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पर स्क्वायर वाला जो एरिया है वो ऐसा हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है।
अब यहाँ पर इसको और हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जैसे इसकी पोजीशन में देखते हैं, राइट क्लिक करके भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। सेंड टू बैक, और इसको आप कर दीजिए थ्रू। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप जहां भी ले जाएंगे उसका शेप जो है अपने आप, देखिए जो हार्ट शेप है ना वो यहाँ पर अपने आप आएगा, हार्ट शेप में आ रहा है, इसको जहां भी ले जाएंगे वो हार्ट शेप ऐसा पकड़ लेगा आपका। ये देखिए सेम टू सेम वैसा ही शेप जो है वो ले लिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने टेक्स्ट की जो रैपिंग है वो थ्रू करके रखी है। मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो आप जहां भी ले जाओगे ना स्क्वायर तरीके से ये ऐसा खाली रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ये तभी बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आएगा। तो टेक्स्ट रैपिंग जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर स्टार बना हुआ दिख रहा है ना, और स्टार के बगल में कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं और वो स्टार जैसा शेप ले रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट रैपिंग में। क्लियर है? तो टेक्स्ट रैपिंग में जो आपका स्टार शेप है वो दिखाई देगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका रोटेशन, आप यहाँ पर रोटेट कर सकते हो। क्लियर है? इसको रोटेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, जिससे रोटेट बाय 90, रोटेट बाय लेफ्ट टू राइट 90 कर सकते हो, वर्टिकली फ्लिप कर सकते हो, यानी किसी भी तरीके से रोटेशन करना है तो वो कर सकते हो। और उसका शॉर्टकट ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐसा रोटेट भी कर सकते हो। क्लियर? तो वही वो ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है कि आप यहाँ पर रोटेशन कर सकते हैं। ये मैन्युअली भी आप रोटेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पिक्चर से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस देखे, जिसमें रोटेट देखा, अलाइनमेंट देखा, और ये क्रॉप ऑप्शन है जिससे आप पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी हाइट और विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। हाइट और विड्थ आप यहाँ से डायरेक्ट भी सेट कर सकते हैं। तो इंसर्ट में हमने देखा पिक्चर्स के साथ काम करना, और ये ऑप्शन अब तब ज्यादा यूजफुल आपको लगेगा जब आप वो यूज कर रहे हैं, कोई मैगजीन वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, किसी कोई टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं, कोई इस तरीके से डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे हैं, तब आपको ये बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगा। देखिए इस तरीके से जो मैंने डिजाइन कर दिया है, ये ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर का। क्लियर है? सेम दूसरा इंसर्ट में आप देखेंगे क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के बारे में मैं बता दूं, क्लिप आर्ट और पिक्चर में अंतर होता है। ये पिक्चर है, और क्लिप आर्ट जो है वो एक रास्टर इमेज होती है। पिक्चर जो है वो दो टाइप की होती है, एक रास्टर इमेज और एक वेक्टर इमेज। तो क्लिप आर्ट जो है वो वेक्टर इमेज होती है। अगर मैं यहाँ पर कोई क्लिप आर्ट बनाता हूँ तो ये देखने में कोई पिक्चर लगती है, बट ये इसकी खास बात ये होती है कि इसको कितना भी जूम करिए ये पिक्चर कभी फटती नहीं है, मतलब कभी धुंधली नहीं होगी। इसको आप जूम करेंगे तो ये थोड़ा धुंधला होते जाएगा, जबकि ये धुंधला नहीं होता है। तो ये दोनों अलग अलग टाइप की इमेज है। ये आपकी रास्टर इमेज है और ये आपकी वेक्टर इमेज है। ये वाली वेक्टर इमेज का फायदा ये होता है कि आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप का मतलब होता है कि मैं एडिट पिक्चर में जाऊंगा, एडिट पिक्चर करने के बाद मैं इसको ग्रुप में जा करके, अनग्रुप का ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है इसमें। ओके, एडिट पिक्चर में गए हम लोग और इसको हम किए, अनग्रुप तो नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर हम इसको ये देखिए ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं पिक्चर को। जो दिख रहा है आपका ये है आपका वेक्टर इमेज, इसके पार्ट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसा हम पार्ट्स जो है सारे पार्ट्स को अलग कर सकते हैं। तो कई सारे क्लिप आर्ट्स पहले से बने बनाए हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कंप्यूटर लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बहुत सारे क्लिप आर्ट आ गए यहाँ पर। आप अब आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर में इनका कलर है, हेयर का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पर जाइए एडिट पिक्चर करिए। ठीक है, एडिट पिक्चर करेंगे तो यहाँ पर ये जो आ गया है, इसके बाद आप इसको फॉर्मेट कर दीजिए और यहाँ पर इनका कलर आप चेंज कर सकते हैं। देखिए बाल का कलर चेंज हो गया है। तो
तो इस तरीके से आप किसी पार्ट को एडिट भी कर सकते हैं। ये मैंने कंप्यूटर का स्क्रीन का कलर रेड करना है, देखिए रेड हो गया, मुझे स्क्रीन का कलर इस तरीके का करना है। इनके ड्रेस का कलर चेंज करना है, मुझे रेड कलर देना है, तो रेड कलर हो गया। तो इस तरीके से क्लिप आर्ट को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये अंतर होता है क्लिप आर्ट और पिक्चर में, इसमें हम इसका कलर चेंज करने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है हमारे पास, फोटोशॉप वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो क्लिप आर्ट जो है दोनों में बेसिक अंतर ये होता है कि ये वेक्टर इमेज है और ये रास्टर इमेज है। वेक्टर इमेज में मैथमेटिकल फंक्शंस यूज होते हैं, रास्टर इमेज में पिक्सल्स यूज होते हैं। वो अपने आप में एक नई अलग टेक्नोलॉजी है, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको, बस ये देखना है कि ये वेक्टर इमेज है और ये रास्टर इमेज है। इसमें मॉडिफिकेशन बेसिक तौर पर पॉसिबल नहीं है, यानी कि बेसिक जो इसका कंटेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे उसकी हाइट, विड्थ, उसका एंगल, रोटेशन, उसका शेप, उसके अलाइनमेंट, ये सब उनके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं, बट उसके बेसिक जो डेटा है उसको चेंज नहीं कर सकते। जबकि वेक्टर इमेज में हम बेसिक डेटा को भी एडिट कर सकते हैं रन टाइम पर, ये अंतर होता है। तो हमने आज देखा पिक्चर्स और क्लिप आर्ट, और लगे हाथ हम इसको भी देख लेते हैं, दो तीन ऑप्शन हैं, इनको भी हम देख करके खत्म कर देंगे। शेप ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि शेप ऑप्शन से आप कई सारे शेप डिजाइन कर सकते हैं, जैसे आपने किसी कॉमिक बुक वगैरह में देखा होगा। तो मैंने यहाँ पर ये शेप ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया, तो आप यहाँ पर इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए, कोई भी शेप आपको मिलेगा, यहाँ पर आप शेप बना सकते हैं, उसमें कलर करिए उनका। यहाँ पर जैसे उनकी शेडो है, 3D रोटेशन है, सारी चीजों को आप ऐड कर सकते हैं, क्लियर। तो कई सारे शेप हैं जो आपको यूज करने के लिए मिलेंगे, मैं भी एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको कि मैंने यहाँ इंसर्ट में गया और यहाँ पर जैसे कॉमिक बुक वाला शेप है, इसमें आप लिख भी सकते हैं कुछ चीज, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे रैंडम टेक्स्ट लिख दिया, ये देखिए। तो इस तरीके से कई सारे आपने ये सारे शेप देखे भी होंगे, कई जगहों पर यूज किया जाता है, जैसे ये वाला शेप है, किसी सर्टिफिकेट वगैरह में देखे होंगे आपने। तो बहुत सारे शेप हैं, उनकी कैटेगरी बनाई हुई है, जैसे लाइंस, लाइन बनाने के लिए बेसिक शेप्स दिए हुए हैं, ब्लॉक एरोज दिए हुए हैं, जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल वगैरह को देखेंगे तो इस तरीके से बनाया जाता है कि टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, ट्रैफिक वाले जो रोटेशन होते हैं, चार्ट बनाने के लिए और कई सारे स्टार्स बनाने के लिए, और आपको यहाँ पर ये कॉमिक बुक के भी शेप दिखाई देंगे, क्लियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शेप भी बना सकते हैं। लगे हाथ आप एक और चीज को इंसर्ट कर सकते हैं, वो मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पर एक नया पेज ब्रेक करिए, एक नया ब्लैंक पेज आ जाता है। इस पेज ब्रेक को हम आगे और देखेंगे। शेप के अलावा हम देखते हैं चार्ट, हम किसी चार्ट को यहाँ पर बना सकते हैं। आपको पता है कि चार्ट कितने टाइप के होते हैं, तो आपके पास ये पॉइंट बन गया चार्ट में, हमारे पास कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, कई प्रकार के चार्ट होते हैं। बेसिकली चार्ट को 2D और 3D चार्ट में बांटा गया है, तो 2D और 3D चार्ट को आप काफी आसानी से बना सकते हैं। जैसे ही आप चार्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई डेटा आएगा, डेटा को आप चेंज करिए, 10 यहाँ पर 20 कर देते हैं, 20 मैंने यहाँ पर डेटा को चेंज कर दिया है, और यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ, नाम भी चेंज कर देते हैं, PGDCA, DCA, BCA, BCOM। देखिए जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन वहां पर दिखाई देगा, जब आप इसको बंद करेंगे तो देखिए ये PGDCA आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आ गया PGDCA, DCA, DCA, BCOM। तो आपने इसमें दिया था, देखिए 10 10 10 10, ब्लू वाला जो है 10 दिख रहा है, ये 20 20 20। तो इस तरीके से डेटा यहाँ पर चेंज होगा, एडिट भी कर सकते हैं बाद में। ये चार्ट वाला ऑप्शन, जैसे मैं PGDCA को यहाँ पर